नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर जंक्शन के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इस चैनल पर ट्रैक्टर से जुड़ी पूरी डिटेल में जानकारी के साथ ट्रैक्टर के फीचर्स और उसकी परफॉर्मेंस को लेकर हम आपसे चर्चा करते हैं, और ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके बीच लेकर आए हैं आइशर 380 सुपर पावर ट्रैक्टर। बात करेंगे ट्रैक्टर के लुक, इंजन, ट्रांसमिशन, हाइड्रोलिक्स और ट्रैक्टर्स के फीचर्स पर बात। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक ट्रैक्टर जंक्शन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि ट्रैक्टर से जुड़ी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। किसान भाइयों, आइशर 380 सुपर पावर के लुक में आपको ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो इस ट्रैक्टर को मजबूत बनाता है वो है इसका कंपनी फिटेड फ्रंट बम्पर, जिसे काफी हैवी बनाया गया है, जो हैवी इम्प्लीमेंट्स के साथ ट्रैक्टर को उठने नहीं देता है। सामने की तरफ आपको तेज रोशनी वाली हेडलाइट्स मिल जाती है, और वहीं आपको आइशर कंपनी का लोगो मिल जाता है। फ्रंट ग्रिल की डिजाइनिंग आपको शानदार मिल जाती है। आइशर की ब्रांडिंग इसके साइड बोनट पर देखने को मिल जाती है। ये ट्रैक्टर सिंगल पीस बोनट के साथ आता है, जिसे आप आसानी से खोलकर इसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर में आपको स्ट्रेट नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है। अब आते हैं आइशर 380 सुपर पावर ट्रैक्टर के जरूरी पार्ट, यानी कि इसके इंजन पर। तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर और 42 HP की पावर वाला सिम्पसन का इंजन और वाटर कूल टाइप का कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, जो इसके पिछले मॉडल में 40 HP थी, और इसमें आपको 2500 CC की क्यूबिक कैपेसिटी मिल जाती है, जो इसके पिछले मॉडल में भी इतना ही था। इस ट्रैक्टर में आपको इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप दिया गया है। इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल बाथ टाइप का एयर फिल्टर मिल जाता है, जिसका मेंटेनेंस खर्च कम होता है, यानी कि कम मेंटेनेंस और ज्यादा बचत। किसान भाइयों, बात करते हैं ट्रैक्टर की ट्रांसमिशन की, तो इसमें आपको सेंटर शिफ्ट का गियर बॉक्स मिल जाता है, जो साइड शिफ्ट और पार्शियल कांस्टेंट मेश टाइप के ऑप्शन के साथ आता है। सेंटर शिफ्ट गियर होने से आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। इसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के गियर मिल जाते हैं। स्पीड की अगर हम बात करें तो 30.80 किलोमीटर पर आवर की फॉरवर्ड स्पीड आपको इस ट्रैक्टर में मिल जाती है। ये भी इसके पिछले मॉडल के लगभग बराबर ही है। क्लच में आपको सिंगल डुअल क्लच का ऑप्शन मिल जाता है। आइशर 380 सुपर पावर के ब्रेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मल्टी डिस्क ऑयल इमर्स्ड ब्रेक्स मिल जाते हैं, जिसका कंट्रोल काफी अच्छा होता है। इस ट्रैक्टर के स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग मिल जाता है और पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। स्टीयरिंग के साथ में ही आपको हैंड रेस भी देखने को मिल जाती है। चलिए किसान भाइयों, बढ़ते हैं ट्रैक्टर के PTO यानी कि पावर टेक ऑफ की तरफ। तो इसमें आपको 6 ब्लाइंड शाफ्ट के साथ लाइव PTO मिल जाती है। PTO स्पीड की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड में 540 RPM पर 1944 इंजन रेटेड RPM की स्पीड से काम करती है। इसमें आपको मल्टी स्पीड और रिवर्स PTO का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ भी ये कंपनी के पुराने मॉडल के जितना ही है। किसान भाइयों, आइशर 380 सुपर पावर के हाइड्रोलिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको 3 पॉइंट्स लिंकेज के साथ ड्राफ्ट, पोजीशन और रिस्पांस कंट्रोल मिल जाते हैं, और 1650 किलोग्राम की दमदार लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है, और साथ ही 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस ट्रैक्टर में दी गई है। ट्रैक्टर के इलेक्ट्रिकल्स की अगर हम बात करें तो 12 वोल्ट 75 AH की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। किसान भाइयों, ट्रैक्टर के टायर साइज, वेट और डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर के फ्रंट टायर आपको 6/16 के साइज में और रियर टायर 13/6/28 के साइज में और ऑप्शन में 14/9/28 के रियर टायर मिल जाते हैं, जो कि इस ट्रैक्टर में नया ऑप्शन ग्राहकों को दिया गया है। ट्रैक्टर का कुल वजन 1922 किलोग्राम, इसकी लंबाई 3455 mm, ओवरऑल चौड़ाई 1710 mm, ट्रैक्टर की हाइट 2220 mm और इसका व्हील बेस 1905 mm का दिया गया है। आइशर 380 सुपर पावर ट्रैक्टर के बाकी फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको कंफर्टेबल और एडजस्टेबल सीट्स के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, शानदार इंडिकेटर लाइट्स, साथ ही बैक में आपको टेल लैंप्स, तेज रोशनी वाली लाइट जिससे आप रात में भी आसानी से काम कर सकते हैं, टूल बॉक्स, बॉटल होल्डर, रिफ्लेक्टर, ट्रिपिंग ट्रेलर किट, कंपनी फिटेड ड्रॉबार और टॉप लिंक जैसे सुविधाएं आपको इस ट्रैक्टर में मिल जाती है। तो किसान भाइयों, ये थी आइशर 380 सुपर पावर के बारे में पूरी जानकारी, साथ ही अपने पुराने मॉडल से कितना अलग है ये भी आपने इस वीडियो में जाना। तो अब आप हमें इस ट्रैक्टर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे ट्रैक्टर जंक्शन की अगली वीडियो में ट्रैक्टर की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।